देशवासियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर आई है। देश भर में खाद्य तेल की खुदरा कीमतें एक साल पहले की तुलना में अधिक है, लेकिन अक्टूबर 2021 से गिरावट आना शुरू हो गई है। खुशी की बात यह है कि खाद्य तेल की खुदरा कीमतों में 5 से 20 रुपए प्रति किलोग्राम की भारी गिरावट आई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालयों के आंकड़ों के मुताबिक मूंगफली तेल का अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 180 रुपए प्रति किलो और सरसों के तेल का 184 रुपए 59 पैसे प्रति किलो, जबकि सोया तेल का 148 रुपए 85 पैसे प्रति किलो और वहीं ताड़ का तेल 128 रुपए 50 पैसे प्रति किलो, सूरजमुखी के तेल का 162 रुपए 40 पैसे प्रति किलो तो सूरजमुखी के तेल का 162 रुपए 40 पैसे प्रति किलो भाव आंका गया है। आंकड़ों से पता चलता है कि मूंगफली और सरसों के तेल की खुदरा कीमतों में 1 अक्टूबर 2021 की कीमतों की तुलना में 1.5 रुपए से लेकर 3 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट आई है, जबकि सोया और सूरजमुखी तेल की कीमतों में 7 से 8 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। उपभोक्ता मंत्रालयों के मुताबिक अडानी, विल्मर और रुचि इंडस्ट्रीज समेत प्रमुख खाद्य तेल कंपनियों ने कीमतों में 15 से 20 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है। जिन अन्य कंपनियों ने खाद्य तेल की कीमतों में कमी की है उनमें जेमिनी एडिबल्स एंड फैट्स इंडिया, हैदराबाद मोदी नेचुरल्स, दिल्ली गोकुल रिफॉयल एंड सॉल्वेट, विजय सोलवेक्स, गोकुल एग्रो रिसोर्सेज और अनेक प्रोटीन शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उच्च कीमतों के बावजूद राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी के साथ केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से खाद्य तेल की कीमतों में फिलहाल गिरावट आई है। खाद्य तेल की कीमतें एक साल पहले की तुलना में अधिक है, लेकिन अक्टूबर से लगातार नीचे आ रही हैं। आयात शुल्क में कमी और जमाखोरी पर अंकुश लगाने जैसे अन्य कदमों से सभी खाद्य तेल की घरेलू कीमतों को नीचे लाने में मदद मिली है और उपभोक्ताओं को राहत मिली है। खाद्य तेल के आयात पर भारी निर्भरता के कारण घरेलू उत्पादन बढ़ाने के प्रयास लगातार जारी हैं। अब आपको ये बता दें कि भारत खाद्य तेलों के सबसे बड़े आयातकों में से एक है, क्योंकि इसका घरेलू उत्पादन इसकी घरेलू मांग को पूरा करने में असमर्थ है। देश में खाद्य तेलों की खपत का लगभग 56 से 60% आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि वैश्विक उत्पादन में कमी और निर्यातक देशों से निर्यात कर में वृद्धि के कारण खाद्य तेलों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर दबाव है, इसीलिए खाद्य तेल की घरेलू कीमतें आयातित तेलों की कीमतों से निर्धारित होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।